कोविड-19 की वजह से सबसे अधिक नुकसान टूरिज्म सेक्टर को हुआ है, क्योंकि लोग बाहर काम से या घूमने नहीं जा पा रहे। लेकिन वही कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो अपनी यूनिक आइडिया की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम 5 ऐसे यूनिक टूरिज्म स्टार्टअप्स की बात करेंगे जो दुनिया भर में टूरिज्म सेक्टर को नई दिशा दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम बाहर किसी देश में घूमने या काम से आते हैं, तो हमें अपने मोबाइल पर कॉल करने और इंटरनेट का यूज़ करने के लिए इंटरनेशनल पैक डलवाना पड़ता है, जो काफ़ी महंगे होते हैं, जिससे हमारा बजट और भी बढ़ जाता है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए एयरएलओ की स्थापना हुई है। ये एक ई सिम प्रोवाइडर स्टार्टअप है जो कि लोगों को किफायती दर पर ई सिम प्रोवाइड करते हैं। इस स्टार्टअप की शुरुआत मई 2019 में सिंगापुर में हुई थी। आपको इनकी सर्विस 190 देशों में मिलेगी और ये काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इनको अभी तक $2 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो लोग जानते हैं ई सिम क्या होता है वो स्किप कर सकते हैं, और जो नहीं जानते हैं ई सिम क्या होता है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ई सिम मोबाइल में लगने वाला एक वर्चुअल सिम होता है। ई सिम का मतलब इविडेंट सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल है। ई सिम को फोन में लगाने की जरूरत नहीं होती। ई सिम के जरिए फिजिकल सिम की सारे सर्विसेज का फायदा लिया जा सकता है। यह एक तरह का चिप होता है जो सिम कार्ड में अलग तरह से डलता है, जो सिम कार्ड की तरह ही काम करता है। ई सिम फोन में या किसी डिवाइस में पहले से इंस्टॉल हो रहते हैं, मतलब ई सिम को आप निकाल नहीं सकते। साथ ही से आप अपने सभी डिवाइस में नहीं लगा सकते। सिम को टेलीकॉम कंपनी एक्टिवेट करती है। इसकी खासियत यह है कि ऑपरेटर बदलने पर आपको सिम कार्ड नहीं बदलना पड़ता, आप अपने ई सिम को अपडेट कर सकते हैं। भारत में फिलहाल एयरटेल और जियो के पास ई सिम उपलब्ध है। अब चलते हैं हमारे अगले स्टार्टअप की तरफ। घूमना लगभग सभी लोगों को पसंद होता है। वहीं कई लोग रिलैक्स करने के लिए घूमने जाते हैं, कुछ लोग एडवेंचर करने के लिए, और कुछ लोग डेली रूटीन से ऊपर कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए घूमने आते हैं। ऐसे ही लोगों को देखते हुए नीदरलैंड बेस्ड स्टार्टअप आई लाइक लोकल की शुरुआत हुई है। ये स्टार्टअप लोगों को विकासशील देशों में रह रहे लोगों के साथ उनकी डेली रूटीन में काम करने का मौका देता है। जैसे एक लोकल मछुआरे के साथ मछली पकड़ना, एक स्थानीय परिवार के साथ भोजन करना, उन लोगों के साथ वहाँ घूमना, उनके काम में हाथ बटाना जैसे काम करना, जिस लोगों को उनकी लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस हो। ये स्टार्टअप लोकल रह रहे लोगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ता है। ये लोकल ट्रैवल एजेंसियों के साथ भी काम करता है ज़्यादातर इनकी सर्विस एशिया और अफ्रीका में उपलब्ध हैं। इस स्टार्टअप की शुरुआत 2013 में हुई थी। इस स्टार्टअप को अभी तक $1,18,000 की फंडिंग मिल चुकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा अगला स्टार्टअप है मी ट्रिपिंग। कई बार हम जब बाहर घूमने आते हैं तो हमें उस जगह की ज़्यादा जानकारी अच्छे से नहीं होती है, जिस वजह से हम वहाँ जाकर जाते तो हैं लेकिन वहाँ की सभी बेहतरीन चीज़ों का लुत्फ़ नहीं ले पाते और हम अपने ट्रिप का पूरा मज़ा नहीं ले पाते क्योंकि हमें उस जगह की ज़्यादा जानकारी नहीं होती। इसी समस्या को दूर करने के लिए मी ट्रिपिंग की शुरुआत हुई। मी ट्रिपिंग एक इंडियन स्टार्टअप है। इसकी शुरुआत मार्च 2016 में हुई थी। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको आपके ट्रैवल करने में मदद करता है। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर अपने ट्रैवल एरिया, बजट और भी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं, जिसके बाद ये आपको बेहतर ऑप्शन सजेस्ट करता है। ये लोगों को एरिया वाइज बेस्ट प्लेस, होटल्स और कई सारी चीज़ें सजेस्ट करता है, जिस लोगों को ट्रैवलिंग करने में काफ़ी सुविधा होती है। इस स्टार्टअप को भी तो $2 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब चलते हैं हमारे आखिरी स्टार्टअप की तरफ, ट्रावर्क। अधिकतर लोग काम की वजह से घूमने के लिए नहीं जा पाते, जिस वजह से उनका सपना सपना ही बना रह जाता है और वह लोग कभी अपने काम से फ्री भी नहीं हो पाते। इस समस्या को खत्म करने के लिए ट्रैवल की शुरुआत हुई है। एक इंडियन स्टार्टअप, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। ये स्टार्टअप लोगों को काम के साथ उन्हें घूमने का मौका भी देता है, जिससे वह काम भी कर सकें और घूम भी सकें, जिससे लोगों का काम भी ना रुके और वह घूम भी सकें। ये स्टार्टअप दुनिया भर के कुछ विशेष स्थानों पर लोगों को घूमने और साथ में काम करने के लिए सुविधा देता है। ये स्टार्टअप आपको रहना, खाना, घूमने के लिए गाड़ियाँ और भी चीज़ें प्रोवाइड कराता है, जिससे आप अपना काम भी कर सकते हैं और घूम भी सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर पसंद ना आए तो कमेंट करें कि मैं इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, ताकि मैं इसे और इम्प्रूवमेंट के साथ कर सकूँ। आपका एक ही कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।